तो भाई लोग बात कुछ दिन की है जब शाम के 4:30 बजे घर पे अपनी बाइक सर्विस करके मैं निकलता हूँ एक राइड पे। तो गाइस वेलकम टू गोवन राइडर वंस अगेन। मुझे नहीं पता आवाज़ की क्वालिटी कैसी आएगी क्या होगा क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की। फिलहाल बजे है 4:59 मतलब 5 बज चुके हैं और मैं फिलहाल घर से अभी जस्ट निकला हूँ और जा रहा हूँ अम्बोली। तो देखते हैं कब तक अम्बोली पहुँचते हैं। ऐसे ही राइड करेंगे। पहली बार 6 महीने बाद कोई राइड पे निकल रहा हूँ मैं, लगभग 1 साल बाद। बारिश शुरू हो चुकी है। मैं सोच रहा था अच्छा खासा एक शॉट ले लूं हाईवे पे, लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं। सो गाइस अभी जस्ट छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने क्योंकि बहुत देर हो गई राइड करते हुए और अभी फ़िलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैंने शॉर्टकट लिया, हाईवे छोड़ दिया क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता था, बारिश हो रही थी और अच्छा शॉट भी लेने को नहीं मिल रहा था। तो चलिए कहीं पर बैठ के चाय पीते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे अम्बोली। सो गाइस फिलहाल रुके हैं चाय के लिए एक जगह पे, जस्ट पहुंचने वाले हैं और ये रही अपनी बाइक। अंधेरा हो रहा है, वैसे रात तो हो ही चुकी थी और बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा घाट शुरू होने से पहले क्यों ना एक चाय पी लूं और फिर आगे बढ़ूं। बारिश में राइड करते हुए सड़क किनारे किसी टपरी पे चाय पीना एक अलग ही मज़ा होता है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे। चलो, मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। बारिश हो रही है और 7:50 और 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम अम्बोली। तो अपना होटल सब बुक है उधर, ऑलरेडी फ्रेंड्स है वहां पर। मैं आज रात वहीं रुकूंगा और उसके बाद में कल एक्सप्लोर करेंगे अम्बोली। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। और दिक्कत की बात यह है कि हमारी जो एक्स्ट्रा लाइटें थी वो जल नहीं रही है, इसकी वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बट एनीवेज जाएंगे धीरे धीरे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल हम है अम्बोली में और ऑल सेट टू गो आउट। बाहर बारिश हो रही है, बहुत सारा कोहरा है और कुछ इस तरह का छोटा सा बैग था मेरा, ये हेलमेट, ये सामान और ये भी सामान। तो चलिए, हमारे दोस्त दूसरे कमरे में है और कल रात में यहाँ पर सोया था, रात हो गई थी और जैसे ही आया खाना खा के सो गया, तो वो बस अपना टाइम पास कर रहे हैं और हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो गाइस, निकलते हैं अपने पहले स्पॉट पे। गाड़ी वार्म अप हो रही है तो आराम आराम से ही चलेंगे। 10 बज चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए किस तरह का है माहौल। तो कितने दिनों बाद मैं बाहर निकला हूँ दोस्तों, देखिए 10 बज चुके हैं। थोड़ी सी अगर बारिश चली जाती तो मैं 360 वाला शॉट ले लेता, अच्छा दिखता आगे से आता हुआ मैं, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं हिरण्यकेशी, अपना पहला स्पॉट। इतना तो श्योर हूँ कि रोड स्लिपर ही नहीं होगा क्योंकि इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है शनिवार रविवार को, वो पूरा साफ करके रख देती है और आज है बुधवार। बहुत ही खराब रास्ता गाइस, बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता। और ये देखिए कोहरा, तो शायद हम पहुंच गए। जी हाँ, हम पहुंच गए।
यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा, तो चलिए गाड़ी पार्क कर देते हैं अच्छी सी जगह पे। और यहाँ से मेरे पैदल यात्रा की शुरुआत हुई, एक छोटा सा ब्रिज, उसके बाद में एक पगडंडी और रास्ते में ढेर सारे नज़ारे। और अपने नन्हे मुन्ने कदम बढ़ाते हुए मैं पहुँचा अपनी मंजिल तक, हिरण्यकेशी। अम्बोली बस स्टैंड से महज 5 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा माता हिरण्यकेशी देवी का मंदिर। धरती के गर्भ से निकलती ये पानी की धारा नदी का रूप ले रही थी। पुराने ऊंचे पेड़, पंछियों की आवाज, और हाँ यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। और इस तरह अपनी राइड की पहले पड़ाव को छोड़कर मैं निकल पड़ा अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। तो चलो गाइस यहाँ से चलते हैं दूसरे स्पॉट की तरफ। सो गाइस इतने अच्छे प्यारे स्पॉट से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन स्पॉट बिल्कुल देखने लायक है गाइस। और ये क्या ऑटो रिक्शा भी आई है, वाह। गाइस 11:30 बज चुके हैं और अभी रुका हूँ नाश्ते के लिए। कुछ भी कहो दोस्तों, अगर जिंदगी में मौका मिले तो यहाँ विजिट जरूर करना। यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा मौसम खुला है और हर तरफ पानी पानी कोहरा, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। बहुत सारी गोवा की गाड़ियां मुझे दिख रही है और बहुत सारे होटल है यहाँ पे। मैंने जीपीएस नहीं लगाया, बारिश हो रही है, लेकिन आई होप मैं पहुँच जाऊँगा। कुछ भी कहो गाइस, बारिश में गांव के इन छोटे छोटे रोड्स में बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है। 12 बज चुके हैं और हम अभी फिलहाल जा रहे हैं कावड़े साथ। ओहो, रोड थोड़ा सा खस्ता हालत में, मरम्मत की जरूरत, लेकिन फिर भी चलेगा।